जयपुर से बड़ी खबर है। राज्य में सोने की खान के ऑक्शन की राह प्रशस्त हुई है। बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा माइंस नीलामी की तैयारी आरंभ। 1,34,178 करोड़ रुपए के स्वर्ण भंडार और 7,720 करोड़ के तांबे के भंडार संभावित है। स्वर्ण के साथ ही तांबा, कोबाल्ट और निकल के भंडार, राजस्व और रोजगार इससे बढ़ेगा। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने इस बात की जानकारी दी है। तो राज्य में सोने की खान के ऑक्शन की राह जो है प्रशस्त हो गई है। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, क्योंकि लगातार प्रयास भी किए जाते रहे इसके संबंध में, लेकिन सोने की खान के ऑक्शन की जो राह प्रशस्त हुई है, तो कब तक ये ऑक्शन हो पाएगा? दीपिका, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कर्नाटक के बाद हिंदुस्तान का दूसरा प्रदेश होगा राजस्थान जो सोने की खान की ऑक्शन यानी नीलामी करेगा, ऑनलाइन नीलामी। अभी तक कर्नाटक के कोलार और आसपास के क्षेत्र में जो स्वर्ण मिलता था वहाँ जरूर गोल्ड माइनिंग होती थी, लेकिन अब राजस्थान में भी गोल्ड माइनिंग होगी। और गोल्ड माइनिंग कहाँ होगी? बांसवाड़ा के भूखिया जगपुरा वो क्षेत्र है जहाँ पर विपुल भंडार मिले हैं सोने के, और वो जीएसआई ने जिस तरह से अपनी सर्वे रिपोर्ट जो सौंपी थी उसके बाद से ही खान विभाग तैयारी में लग गया था, लेकिन कुछ विधिक अड़चन थी जो अब दूर हो चुकी हैं और अब जल्दी ही इसको नीलामी के फ्लोट पर लाएगा। जो उम्मीद ये की जा रही है करीब 1,34,178 करोड़, यानी आप माने करीब 1,50,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर सोना है और यहाँ पर करीब 7,720 करोड़ रुपए के तांबे के भी भंडार हैं। निश्चित तौर पर अगर इस तरह की इसकी गोल्ड माइनिंग की जाती है तो राजस्थान की इकोनॉमी में एकदम बूस्ट आएगा। और ये अच्छी बात, ये इसको संयोग कहिए या प्रयास कहिए इस तरह से, कि पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह के प्रयास राजस्थान के अंदर मेजर माइनिंग खासकर बेशकीमती खनिजों के खनन को लेकर के हुए हैं, वैसे कभी नहीं हुए। गहलोत सरकार में जिस तरह के प्रयास हुए हैं, पिछले वित्त वर्ष में 8 मेजर मिनरल के जो 8 ब्लॉक थे नीलाम किए जा चुके थे, इस बार तो 6 महीने में 14 ब्लॉक नीलाम कर दिए। और अब ये जो गोल्ड माइनिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोल्ड माइन जो है ये जो भूखिया और जगपुरा क्षेत्र के अंदर है, इसके लिए अब तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। खान विभाग के स्तर पर, निदेशालय के स्तर पर तमाम तैयारी की जा रही है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के निर्देश पर जो एसीएस विनू गुप्ता और खान निदेशक हैं, खासकर संदेश नायक की बात करें तो इनकी टीम लगातार काम कर रही है। जल्दी इसके टेंडर फ्लोट किए जाएंगे और एमएसटीसी के जरिए इसके लिए पहले तो टेंडर डॉक्यूमेंट की बिक्री शुरू होगी, उसके बाद इसके लिए बिड आमंत्रित की जाएंगी। माना यह जा रहा है कि अगले 6 महीने के अंदर ये जो गोल्ड माइन है इसकी हम नीलामी, सफल नीलामी हम इसकी कर पाएंगे। और इसकी सफल नीलामी होती है तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि करीब 1,34,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व राज्य सरकार को मिलना है, तो निश्चित तौर पर आज की सबसे बड़ी खबर इसको माना जाना चाहिए। और उम्मीद की जानी चाहिए कि वित्त वर्ष समाप्ति तक इस माइंस को ऑक्शन करने में खान विभाग पूरी तरह से सफल रहेगा और फिर कर्नाटक के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा प्रदेश बन जाएगा जहां पर गोल्ड माइनिंग की जाए। ठीक है निर्मल जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।